हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 5, हमारा पर्यावरण पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह, अवर एनवायरनमेंट एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम का लेक्चर 6, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है धान की खेत की जीव संख्या का पिरामिड। ओके, तो इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे कि जो धान की खेत की में पाए जाने वाले जो पारिस्थितिक तंत्र में उपस्थित तो जीव है, उसकी संख्या का पिरामिड किस प्रकार से होगा। तो चलिए इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। धान की खेत की पारिस्थितिक पिरामिड में पोषक स्तरों को चिन्हित करते हुए एक निश्चित समय पर यदि सभी जीव की संख्या को दर्शाया जाता तो पिरामिड कुछ इस प्रकार दिखता। ओके, तो इस प्रकार से धान की खेत की पारिस्थितिक पिरामिड था, तो पारिस्थितिक तंत्र में उपस्थित जो जीवों की संख्या उसको क्या है पिरामिड के रूप में क्या है कि निश्चित समय पर हम लोग इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। जैसे कि धान की खेत में क्या होता है, जिस समय धान उपस्थित होता है तो उस समय जीवों में किस प्रकार से पारिस्थितिक तंत्र होता है एवं उसका संख्या किस प्रकार से होता है, तो चलिए उसको हम लोग पिरामिड के द्वारा समझते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग चित्र में देख सकते हैं, चित्र 7 ब, धान की खेत की जीव संख्या का पिरामिड। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख एवं 10 लाख अथवा 15 लाख प्रथम पोषक स्तर है, यहाँ पर धान के पौधा है। ठीक इसी प्रकार से कुछ जीव जंतु है, जैसे कि गिलहरी हो गया, चूहा हो गया, खरगोश, पक्षी एवं कीड़ा मकोड़े। जो जीव संख्या कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2 लाख है द्वितीय पोषक स्तर। ठीक इसी प्रकार से 9,000 तृतीय पोषक स्तर, जहाँ पर बड़ी कीड़े मकोड़े एवं सर्प है। और जो चतुर्थ पोषक स्तर में है, 10 चतुर्थ पोषक स्तर, अर्थात चतुर्थ पोषक स्तर में क्या है, जैसे कि उल्लू हो गया एवं पक्षी हो गया। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग क्या है इसको पिरामिड के द्वारा दर्शा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, यहाँ पर जो प्राथमिक अभी जो प्रथम पोषक स्तर है, इसमें क्या होता है, जो जीवों की संख्या वह सबसे अधिक है, अर्थात यहाँ पर देख सकते हैं 15 लाख धान के पौधे। एवं जो इसके अंतिम पोषक स्तर है, इसमें जीवों की जो संख्या वह सबसे कम है। ओके, तो इस प्रकार से यहाँ पर जैसे कि प्रदर्शित है पिरामिड, इस प्रकार भी दर्शाया जा सकता है। ओके, तो इस पिरामिड को क्या हम लोग इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर प्रदर्शित है 15 लाख यह धान के पौधा, उसके पश्चात 2 लाख यह क्या है, खरगोश हो गया, गिलहरी हो गया, पक्षी एवं छोटे कीड़े मकोड़े है। इसके पश्चात है 9,000 ये क्या है, सॉरी ये 9,000 नहीं है, 90,000 की गाय, दहाई, सैकड़ा, हजार एवं 10,000। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि 9,000 क्या है, बड़ी कीड़े मकोड़े एवं सर्प है अर्थात सांप है। और जो अंत में क्या है वह 10 क्या है, पक्षी अर्थात जैसे कि उल्लू हो गया या फिर कीड़ पक्षी पक्षी हो गया। ओके, तो यह अंत में क्या है, सबसे कम जीवों की संख्या। ओके, धान की कटाई के पश्चात इस पारिस्थितिक तंत्र के जीवों का क्या होगा। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन है, धान की कटाई के पश्चात इस पारिस्थितिक तंत्र के जीवों का क्या होगा। ओके, तो चलिए इसको हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, थोड़ा मैंने तो इसको ऑब्जर्वेशन थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि यदि क्या है, किसी भी जो पारिस्थितिक तंत्र में है यदि उत्पादक ही नहीं रहे तो इस स्थिति में क्या होगा। तो स्वाभाविक सी बात है, यदि उत्पादक नहीं रहेगा तो इस स्थिति में उपभोक्ता रहेगा क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि जो उत्पादक होता है क्या करता है, वह अपना भोजन का निर्माण स्वयं करता है, परंतु जो उपभोक्ता होता है वह अपने जो भोजन के निर्माण स्वयं करता है क्या, नहीं। ओके, तो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से क्या है, दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, जो पक्षी हो गया या फिर जो उल्लू हो गया, सांप हो गया, बड़े जो कीड़े मकोड़े हो गया, गिलहरी हो गया, खरगोश हो गया, साथ ही जो छोटे कीड़े मकोड़े हो गया, पक्षी हो गया, यह अपना भोजन बनाता है क्या, नहीं। ओके, तो ये डायरेक्ट जो या डायरेक्ट एवं इनडायरेक्ट प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से क्या है, वह उत्पादक अर्थात धान के पौधों पर निर्भर रहता है। ओके, तो यदि धान के पौधे ही न रहे तो इस स्थिति में यह रह पाएगा क्या, नहीं। तो इस स्थिति में क्या होगा, धान की कटाई के पश्चात इस पारिस्थितिक तंत्र में जीवों का क्या होगा। तो इस स्थिति में हम लोग कह सकते हैं, धान की कटाई के पश्चात इस पारिस्थितिक तंत्र में कुछ जीव मर जाएंगे एवं कुछ जीव है वो क्या होगा, एक जगह से दूसरे जगह पर पलायन हो जाएगा, अर्थात इस जगह से क्या दूसरे जगह में चले जाएंगे। ओके, तो जैसे कि आप लोग कई लोग जैसे कि आप लोग विलेज से बिलोंग करते होंगे अर्थात गाँव से बिलोंग करते होंगे, तो आप लोगों ने खेतों में ऑब्जर्वेशन किया होगा कि धान कटाई के इस समय क्या होता है, कुछ जीव होता था, जैसे कि बहुत सारे जो जीव होता है बता मरे हुए दिखाया देता है, जैसे कि केकड़ा हो गया, छोटे कीड़े मकोड़े का, साथ ही क्या होता है खेतों में कुछ मछली भी पाए जाते हैं, तो मछली हो गया, अर्थात उस प्रकार से जीवों के क्या दिखाया देता है, हमको उसके मृत शरीर दिखाई देता है।
ओके, तो और कुछ ऐसे भी जो होता है वहां से पलायन कर जाते हैं, जैसे कि खरगोश हो गया, गिलहरी हो गया, या फिर चूहा हो गया, पक्षी हो गया, सर्प हो गया, या फिर उल्लू हो गया, या फिर कीट पक्षी पक्षी हो गया, ये रहता है क्या? नहीं। ओके, तो वहां से क्या कर जाता है? वह पलायन कर जाता है। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं धान की कटाई के पश्चात इस पारिस्थितिक तंत्र में क्या, इस पारिस्थितिक तंत्र क्या हो जाता है? टूट जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कुछ जीव मर जाते हैं, कुछ जीव इस जगह से चले जाते हैं। क्या तभी हर स्तर पर इतने जीव बचेंगे? तो नहीं, स्वाभाविक सी बात है, जिसमें उत्पादक ही नहीं रहेंगे तो भोक्ता रह पाएंगे क्या? नहीं। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं हर स्तर पर इतने जीव नहीं बचेंगे। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र की परिस्थितियां मानवीय हस्तक्षेप अर्थात मानव के हस्तक्षेप एवं प्राकृतिक परिघटना अर्थात प्रकृति में होने वाली घटनाओं से बदलती रहती है। स्वाभाविक सी बात है, यदि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में क्या है, यदि किसी मानव ने क्या हस्तक्षेप कर दिया, या फिर प्रकृति में कुछ घटना या फिर प्रकृति में कुछ बदलाव होगा, तो इस स्थिति में क्या होता है, जो पारिस्थितिक तंत्र है उसमें परिवर्तन हो जाता है। धान की कटाई से कई जीव या तो मर जाते हैं या खेत के आसपास के क्षेत्र में चले जाते हैं। ओके, तो इस प्रकार से धान की कटाई से क्या होता है, तो कुछ जीव मर जाते हैं और कुछ जीव क्या हो जाता है, वो खेत के आसपास के क्षेत्र में चले जाते हैं। जीवों की संरक्षण के लिए जरूरी है कि पारिस्थितिक तंत्र की कुछ परिस्थितियों को बनाए रखने का प्रयास किया जाए। ओके, तो इस प्रकार से जीवों की संरक्षण अर्थात जीवों को क्या है, रक्षा करने के लिए क्या है, यह जरूरी है कि पारिस्थितिक तंत्र की कुछ परिस्थितियों को बनाए रखने का प्रयास किया जाए। अर्थात जीव क्या होगी, यदि उसका पारिस्थितिक तंत्र होगा तो इस स्थिति में क्या होगा, जो जीव है वह भी क्या होगा, वह संरक्षित होगा। ओके, तो इस वजह से क्या है, जीव के संरक्षण के लिए पारिस्थितिक तंत्र की कुछ परिस्थितियों को बनाए रखने के लिए प्रयास किया जाए। आपने आज कल सुना होगा कि खेत में एक से अधिक फसलों को उगाने की सलाह दी जाती है। ओके, तो आप लोगों ने अवलोकन भी किया होगा कि जो जो खेतों में क्या किया जाता है, धान की आई मीन जो एक खेत में क्या होता है, एक से अधिक फसलों को उगाने की सलाह दिया जाता है, साथ ही एक से अधिक फसलों को उगाया जाता है। जैसे कि धान के पश्चात क्या फसल उगाया जाता है, जैसे कि क्या हो गया, दलहन में हो गया, जैसे कि दाल वाली फसल, जैसे कि चना हो गया, मसूर हो गया, इसी प्रकार से क्या हो गया, तिंवरा हो गया, ये सभी फसल को क्या किया जाता है, उगाया जाता है। ओके, हमारे देश में कई जगह धान के साथ दलहन फसलों को उगाया जाता है। ओके, तो इस प्रकार से क्या होता है, हमारे देश में भी क्या होता है, आई मीन जो हमारे जो गांव है उसमें भी क्या होता है कि जो धान के साथ क्या है, दलहन फसलों तथा दाल वाली फसलों को भी उगाया जाता है। खेत में पेड़ों को उगाने एवं उसके आसपास सिंचाई के पानी के स्रोत में मछली पालन करने की सलाह भी दी जाती है। इसी प्रकार से जो खेतों के आसपास का है मछली पालन के लिए भी सलाह दिया जाता है, ताकि वहां पर जो पारिस्थितिक तंत्र है वह बना रहे। इससे जैव विविधता को बनाए रखा जा सकता है और खेतों को प्रभावित करने वाले जीवों की संख्या प्राकृतिक रूप से नियंत्रित रहती है। ओके, तो इस प्रकार से इसमें जैव विविधता जीवों की विविधता को बनाए रखा जा सकता है, साथ ही वहां पर जो खेतों में उपस्थित जो जीव होता है उसको प्रभावित करने वाले जीवों की संख्या को क्या प्राकृतिक तरीके से क्या उसको नियंत्रित किया जा सके। इस प्रकार के प्रभाव को समझने के लिए संख्या की कुछ अन्य पारिस्थितिक पिरामिडों का अध्ययन करना होगा। ओके, तो इस प्रकार से जो क्या है प्रभाव को समझने के लिए संख्या क्योंकि कुछ अन्य पारिस्थितिक पिरामिड को चलिए हम लोग अध्ययन करने का प्रयास करते हैं, साथ ही उसको समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से जो पारिस्थितिक तंत्र क्या है उसको बनाए रखा जा सकता है। ओके, जैसे कि यहाँ पर हम लोग चित्र में देख सकते हैं, चित्र 8 संख्या के पिरामिड। ओके, तो अह जैसे कि जंगल प्रति हेक्टेयर में। ओके, तो यहाँ पर प्रदर्शित है अ, इसी प्रकार से वह पेड़। ओके, तो यहाँ पर पेड़ का पिरामिड है, सह तालाब या प्रति हेक्टेयर में। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं तालाब प्रति हेक्टेयर में। ओके, तो चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहला है संख्या की पिरामिड, जहाँ पर जंगल प्रति हेक्टेयर में। ओके, तो यहाँ पर जैसे कि मान लेते हैं पेड़ों की संख्या जैसे कि 200 था, 200 है। इसी प्रकार इसमें पाए जाने वाले जीव जैसे कि प्राथमिक उपभोक्ता हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,00,000, 50,000 है। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ पर जीव की संख्या इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 12,000 है। इसके पश्चात जो अंतिम पोषक स्तर है वह 20 है। इसी प्रकार से यहाँ पर ब में प्रदर्शित गया है पेड़ का पिरामिड, जिसमें जीव की संख्या 1 है, उसके पश्चात क्या है प्राथमिक उपभोक्ताओं की संख्या 2,000 है, उसके पश्चात 90 है, उसके पश्चात 6 है। इसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग तालाब की पिरामिड के बारे में देखें, तो यहाँ पर प्रथम पोषक स्तर में जीव की संख्या 8,090 है, द्वितीय पोषक स्तर में 370 है, तृतीय पोषक स्तर में 110 है, एवं चतुर्थ पोषक स्तर में जीव की संख्या 15। ओके,
तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जीव संख्या की पिरामिड में क्या होता है, तो जीव संख्या का जो पिरामिड होता है वह सीधा एवं उल्टा दोनों प्रकार से बनता है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर जीव की संख्या की पिरामिड क्या है, वह सीधा बन रहा है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर जो क्या है वो पहले में उत्पादकों की संख्या क्या है, कम है, अभी अधिक है, उसके पश्चात कम है, उसके पश्चात कम है, उसके पश्चात कम, अर्थात ये जीव संख्या का सीधा पिरामिड है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग और ब में देख सकते हैं जीव संख्या का उल्टा पिरामिड, अर्थात यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले इसमें जीव की संख्या सबसे कम है, उसके पश्चात कम है, उसके पश्चात अधिक है, उसके पश्चात कम है, उसके पश्चात कम है। इसी प्रकार से हम लोग पेड़ की पिरामिड में देखें तो यहाँ पर जो पेड़ों की संख्या एक है, उसके पश्चात इसमें जीव की संख्या अधिक है, उसके पश्चात कम है, उसके पश्चात कम है। तो इस प्रकार से आप लोग याद रखेगा कि जो जीव संख्या का जो पिरामिड होता है वह सीधा एवं उल्टा दोनों प्रकार से बन सकता है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग कुछ क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन प्रदर्शित है, तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझने का प्रयास करते हैं। पेड़ या जंगल की पारिस्थितिक पिरामिड में हम देख सकते हैं कि प्राथमिक पोषक स्तर पर कम जीव हो तभी अगले स्तरों पर कई जीव है। जैसे कि हम लोगों ने चित्र और ब में ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कि यहाँ पर जो क्या है, जो प्रथम पोषक स्तर में क्या है, जीवों की संख्या क्या है, कम है, फिर भी क्या होता है, यहाँ पर जो जीवों की जो संख्या क्या है, प्राथमिक पोषक स्तर पर कम जीव है, फिर भी क्या अगले स्तरों पर कई जीव है, क्यों? तो चलिए इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। क्योंकि पेड़ पौधे से क्या होता है, बड़ा होता था, जो पेड़ पौधे क्या होता है बड़ा होता है, जिसके कारण उसमें क्या होता है, उपभोक्ता बहुत सारे होते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं, जैसा कि पक्षी हो गया, जैसे कि जानवर हो गया, जैसे कि बंदर का एग्जांपल ले लेते हैं, इसी प्रकार से अन्य जीव होते हैं, और जैसे कि जीव जंतु हो गया, जैसे कि मनुष्य उसका भी क्या करते हैं, भोग करते हैं, जैसे कि उसका फल का यूज करते हैं, इसी प्रकार से छोटे कीड़े मकोड़े हो गया या फिर चींटी भी रहता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, उसमें जीव की संख्या क्या होता है, वह अधिक होता है। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो अ एवं ब में क्या होता है, जो पिंड या जंगल की पारिस्थितिक पिरामिड में हम देख सकते हैं कि प्राथमिक पोषक स्तर पर क्या है, जीवों की संख्या तो कम है परंतु अगले स्तरों पर जीवों की संख्या अधिक है। ओके, इस आधार पर धान की खेत की पारिस्थितिक पिरामिड और पेड़ की पिरामिड में एक अंतर लिखे। ओके, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इस आधार पर हमको बताना है कि धान की खेत की पारिस्थितिक पिरामिड और पेड़ की पारिस्थितिक पिरामिड में एक अंतर को लिखना है। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग यूजेबली यहाँ पर जैसे कि तालाब का एग्जाम्पल लेके इसका एग्जाम्पल दें। ओके, तो चलिए हम लोग धान की खेत का एग्जाम्पल लेते हैं। तो हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो धान की खेत का जो पारिस्थितिक पिरामिड में क्या था, उसमें उत्पादकों की संख्या अधिक है। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि जो उत्पादकों की संख्या कितना था, वह 10 लाख था। ओके, तो परंतु यहाँ पर हम लोग देखे तो अ एवं ब में इसमें उत्पादकों की संख्या अधिक है क्या, नहीं। ओके, तो सबसे पहले इसमें उत्पादकों की संख्या कम है, उसके पश्चात उपभोक्ताओं की संख्या अधिक है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि धान का खेत में उत्पादकों की संख्या अधिक है परंतु पेड़ या फिर पेड़ की पिरामिड में क्या होता है, उत्पादकों की संख्या कम है। ओके, दूसरा, किसी जलीय पारिस्थितिक तंत्र का पिरामिड चित्र 8 में दर्शाया गया। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं तालाब का पिरामिड। जलीय जीवों की आबादी में इस प्रकार का संबंध धान की खेत में कब दिखता होगा। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन है, धान की खेत और जलीय पारिस्थितिक तंत्र का पिरामिड, यहाँ पर क्वेश्चन है कि जलीय जीवों की आबादी में इस प्रकार का संबंध अर्थात जलीय पारिस्थितिक तंत्र का पिरामिड धान के खेत में कब दिखता होगा। ओके, तो कब दिखता होगा, तो जब धान के पौधे में क्या होता है, जब धान के खेत में क्या होता है, पानी भरा होता है, तो इस स्थिति में क्या होता है, यह हमको इस प्रकार का पिरामिड दिखता है। ओके, तो इस प्रकार से आप लोग कह सकते हैं कि जब धान के पौधे क्या होता है, वृद्धि चरण होता था, तो बढ़ने की क्रम होता है, तो इसी जब पानी भरा होता है तो उसी समय क्या होता है, इस प्रकार का पिरामिड हमको दिखाई देता है। धान की खेत और जलीय पारिस्थितिक तंत्र की पिरामिडों में कोई एक अंतर और एक समानता लिखिए। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन है, धान की खेत और जलीय पारिस्थितिक तंत्र की पिरामिड में एक अंतर और एक समानता लिखना। ओके, तो यहाँ पर समानता क्या देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर भी क्या है, उत्पादक क्या है, पेड़ पौधे है, और धान की खेतों में भी उत्पादक क्या होता है, पेड़ पौधे। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं दोनों उत्पादक है वह पेड़ पौधे है। ओके, अब चलिए इसमें असमानता लिखता है, अर्थात एक अंतर था, इसमें असमानता क्या है, तो धान की खेत का जो पिरामिड होता है क्या होता है, एक समय सीमा के लिए रहता है, अर्थात जैसे कि धान का खेत कितने महीने के लिए होता है, जैसे कि जितना महीने के लिए उसके लिए होता है, जब तक वहां पर धान की खेत क्या होता है, कटाई नहीं हो जाता, तब तक क्या होता है, वहां पर पारिस्थितिक पिरामिड होता है।
परंतु जैसे ही धान का खेत वहां से नहीं होता था, फसल को काट लिया जाता है, तो उसके पश्चात पारिस्थितिक तंत्र होता है क्या? नहीं होता था, यह एक समय सीमा के लिए होता है। जबकि जलीय पारिस्थितिक तंत्र तब तक होता जब तक उसमें क्या होता है, जलीय जीव या फिर पानी है वह होता है। अर्थात जलीय पारिस्थितिक तंत्र का पिरामिड में कोई समय सीमा नहीं होता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आ होगा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि पिरामिड का आधार चौड़ा चित्र 8 है तो इसका अर्थ क्या? ओके, तो जैसे कि हम लोगों ने चित्र 8 था तालाब की पिरामिड के बारे में देखा था कि यदि पिरामिड का आधार चौड़ा है तो इसका अर्थ क्या? ओके, तो यदि पिरामिड का आधार चौड़ा है तो इसका तात्पर्य क्या होगा कि इसमें उत्पादों की जो संख्या वह अधिक है। ओके, उपरोक्त उदाहरणों में से किसी एक के अनुसार खाद्य जाल बनाए। ओके, तो यहाँ पर जो उदाहरण दिया गया था उससे क्या है, हमको एक खाद्य जाल बनाना है। तो चलिए इसको क्या है, हम लोग खाद्य जाल बनाने का प्रयास करते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग धान के पौधे से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि धान के पौधे होता है, धान के पौधे क्या होता है, उत्पादक होता है। क्यों? क्योंकि अपना भोजन का निर्माण यह स्वयं करता है। ओके, तो इसके पश्चात आता है शाकाहारी कीट। शाकाहारी कीट जो कि क्या होता है, उपभोक्ता होता है। इसके पश्चात आता है शाकाहारी कीट के पश्चात जैसे कि मकड़ी ले लेते हैं, मकड़ी के पश्चात जैसे कि कीट भक्षी पीट, कीट भक्षी पक्षी, उसके पश्चात ले लेते हैं उल्लू। ओके, तो ये क्या है, एक खाद्य श्रृंखला। ओके, तो जैसे कि हम लोग जैसे धान के पौधे से शाकाहारी कीट, शाकाहारी कीट से मकड़ी, मकड़ी से कीट भक्षी पक्षी, कीट भक्षी पक्षी से उल्लू। ओके, तो ये क्या है, एक खाद्य श्रृंखला। ओके, तो हमको इसको क्या बनाना है, खाद्य जाल बनाना। ओके, तो खाद्य जाल में क्या होता है, बहुत सारे खाद्य श्रृंखला आपस में मिलकर खाद्य जाल का निर्माण करते हैं। जैसे कि धान के पौधे को डायरेक्ट कौन खाता है, जैसे कि चूहा हो गया। इसी प्रकार से शाकाहारी कीट को कौन खाता है, जैसे कि मांसाहारी कीट हो गया, मांसाहारी कीट। इसी प्रकार से हम लोग कीट भक्षी पक्षी की बात करें तो कीट भक्षी पक्षी को कौन खाता है, सांप खाता है। इसी प्रकार से जो सांप होता है वो चूहा को भी डायरेक्ट खाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, यहाँ पर बहुत सारे क्या है पारिस्थितिक तंत्र, आई मीन बहुत सारे क्या है खाद्य श्रृंखला देख सकता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे खाद्य श्रृंखला मिलकर क्या है, खाद्य जाल का निर्माण करता है। ओके, उपरोक्त उदाहरणों में कितने पोषक स्तर है? ओके, तो यहाँ पर पूछा गया कि इस उदाहरण में कितने पोषक स्तर है। तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग अवलोकन कर सकते हैं, यहाँ पर धान के पौधे क्या होता है, उत्पादक होता है, जिसकी वजह से यह प्राथमिक पोषक स्तर होता है। तो 1 2 3 4 5 अर्थात यहाँ पर 5 पोषक स्तर है। ओके, प्रथम पोषक स्तर के जीवों की कितनी संख्या पर द्वितीय पोषक स्तर का एक जीव निर्भर है, हर पिरामिड के लिए अलग अलग निकाले। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि प्रथम पोषक स्तर पर जीवों की संख्या कितने है, प्रथम पोषक स्तर के जीव की कितनी संख्या पर द्वितीय पोषक स्तर का एक जीव निर्भर है, हर पिरामिड के लिए अलग अलग निकाले। ओके, तो चलिए इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि प्रथम पोषक स्तर के जीवों की कितनी संख्या पर द्वितीय पोषक स्तर का एक जीव निर्भर है। ओके, तो सर्वप्रथम हम लोग जंगल की पिरामिड के लिए देखेंगे। ओके, तो जंगल की पिरामिड में क्या होता है, जो प्रथम पोषक स्तर में जो जीवों की संख्या कितना है, 2 है, एवं द्वितीय पोषक स्तर में जो जीवों की संख्या वह कितना था, वह 15 लाख है। ओके, तो चलिए इसको हम लोग इसका आंसर को समझते हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले द्वितीय पोषक स्तर में जीव की संख्या उसको क्या करते हैं, प्रथम पोषक स्तर में जीव की संख्या से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हमको इसका आंसर पता चल जाएगा। तो चलिए 15 लाख बनाते हैं, तो ये इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10 हजार एवं लाख 10 लाख। ओके, तो 15 लाख डिवाइडेड बाय 200 अर्थात 200। ओके, तो 0 0 आपस में कैंसिल हो गया, 2 0 2 0 गया। उसके पश्चात बचा क्या, जैसे कि यहाँ पर जैसे 2 1 2 15 है। ओके, तो 2 7 14 बचा क्या, 1। ओके, 10 बचा तो 2 5 10। ओके, तो 7 5 उसके पश्चात 2 0 अर्थात 7500। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो एक जीव है कितने पर डिपेंड है, अर्थात 7500। अर्थात इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो एक जो एक पेड़ पर क्या है, 7500 जीव डिपेंड अर्थात निर्भर है। ओके, इसी प्रकार से हम लोग दूसरे के लिए देखते हैं, दूसरे में क्या है, जंगल। ओके, तो चलिए जंगल के लिए इसको ऑब्जर्वेशन करते हैं अर्थात अवलोकन करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं इसमें प्रदर्शित किया गया है 1000, इसमें क्या है, जो द्वितीय पोषक स्तर में जीव की संख्या 2000 है एवं प्रथम पोषक स्तर में जीव की संख्या 1 है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि एक जीव क्या होता है, एक पेड़ पर क्या है 2000 जीव क्या है, इकाई जो है सैकड़ा हजार 2000 जीव डायरेक्ट क्या है, निर्भर है। ओके, तो चलिए तृतीय पोषक स्तर अर्थात
तृतीय पिरामिड के लिए देखते हैं, तृतीय पिरामिड क्या है, तालाब का पिरामिड, जिसमें द्वितीय पोषक स्तर में जो जीवों की संख्या कितना है 370 है, और प्रथम पोषक स्तर में जीवों की संख्या वो 8090 है। ओके, तो चलिए इसको अब भी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इस प्रकार से हमको प्राप्त होगा 8090/370। ओके, तो 0 0 क्या होता है, आपस में कैंसिल होगा, तो बचा क्या 890/37। ओके, तो हम लोग 809/37 को क्या करते हैं, हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो हमको 21.86 प्राप्त होता था। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो एक जीव क्या होता है वह 21 जीवों पर क्या होता है, वह निर्भर होता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादों की संख्या कम हो तो भी क्या अगले स्तर को पर्याप्त भोजन मिलेगा? ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन है, यदि पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादों की संख्या कम हो तो भी क्या अगले स्तर पर को पर्याप्त भोजन मिलेगा? तो हाँ। ओके, तो यदि पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादों की संख्या कम है तो भी क्या होगा, अगले स्तर को पर्याप्त भोजन मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने जंगल का पिरामिड में देखा, साथ हम लोगों ने पेड़ की पिरामिड में देखा। ओके, तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि इसमें क्या है, उत्पादकों की संख्या तो कम है, परंतु इसमें अगले स्तर पर जो जीवों की जो संख्या वह भी क्या होता है, वह बहुत अधिक है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं यदि पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकों की संख्या कम है फिर भी अगले स्तर को पर्याप्त भोजन मिलेगा। ओके, तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर अच्छे से समझ आ होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।